भाई ये बोल रही हैं मैं तुमको अरेस्ट कर लूंगी क्योंकि आप कैमरा यूज कर रहे हो। ये गाड़ी इंडिया ने गिफ्ट किया है लाइबेरिया को। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मेरा नाम है तुरवशु। अभी मैं हूँ लाइबेरिया की कैपिटल मोनरोविया में। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैं सेरा लियोन से लाइबेरिया पहुंच गया था। उस वीडियो में मैं रुका था क्वीन के यहाँ, लेकिन आज मैं और कहीं रुका हुआ हूँ, आप लोगों को मैं थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। उससे पहले आप लोगों को लाइबेरिया के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को लाइबेरिया कंट्री कैसी है आप लोगों को जानना जरूरी है। उसके बाद आज हम लोग जाने वाले हैं आइवरी कोस्ट और घाना मैसी, आगे की ट्रैवल का पता करने कि आगे ट्रैवल कंटिन्यू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उसके अलावा आज के वीडियो में हम लोग लाइबेरिया की कैपिटल मोनरोविया को भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। लाइबेरिया कंट्री का काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिक कनेक्शन और हिस्टोरिक टाइज है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। लाइबेरिया कंट्री एग्जैक्टली आज से 200 साल पहले ईयर 1822 में फाउंड हुआ था। 200 साल पहले US में, नॉर्थ अमेरिका में और कैरेबियंस में जो ब्लैक स्लेव्स जो फ्री हो चुके थे उन लोगों ने यहाँ पर आके कंट्री को फाउंड किया था। तो लाइबेरिया एक कंट्री बना और कंट्रोल किया गया उन ब्लैक स्लेव पीपल से। बहुत सारे सोर्सेस बोलते हैं पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सिर्फ दो ही कंट्री है, इथोपिया एंड लाइबेरिया, जो कभी भी कॉलोनाइज नहीं हुआ है। बट बहुत सारे सोर्सेज ये भी बोलते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूएस के ब्लैक फ्री स्लेव लोगों ने इस कंट्री को कॉलोनाइज किया। कुछ ऐसे भी दो थ्योरी एक्चुअली इस कंट्री में है। और इंडिया के इंडिपेंडेंस से एग्जैक्टली 100 साल पहले इन 1847 में लाइबेरिया को इंडिपेंडेंस मिला। तो इस वजह से लाइबेरिया को पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे पुराना और पहला इंडिपेंडेंट कंट्री बोला जाता है। लाइबेरिया एज अ कंट्री काफ़ी सही प्रोग्रेस कर रही थी, बट इस कंट्री में सिविल वॉर हुआ जो कि 14 साल तक चला, फ्रॉम 1989 टू 2003। उस सिविल वॉर में इस कंट्री की 8% पॉपुलेशन की लाइफ चली गई, लगभग 2.5 लाख लोग मारे गए थे उस सिविल वॉर में, क्योंकि ये कंट्री यूएस से आए फ्री स्लेव लोगों द्वारा फॉर्म किया गया है। तो लाइबेरिया का फ्लैग का लेआउट और डिजाइन यूएस के फ्लैग से कॉपी किया गया है। इवन 40 साल तक इनके कंट्री की कोई भी करेंसी नहीं थी और ये कंट्री यूएस डॉलर यूज करता था, और आज भी इस कंट्री में लोकल करेंसी के साथ साथ इक्वली यूएस डॉलर भी यूज होता है। तो मेरे को किसी ने बताया कि लाइबेरिया शायद दुनिया की इकलौती कंट्री है या बहुत ही कम कंट्री में से एक है जहां पर दो करेंसी यूज होती है, लोकल करेंसी एंड यूएस डॉलर। और इस टाइम 1 US डॉलर अप्रॉक्सीमेटली 150 लाइबेरियन डॉलर चल रहा है, और इंडियन रुपीज से अगर कंपेयर करें तो प्रेजेंट टाइम पे 1 Indian rupees इज इक्वल टू 2 Liberian dollar अप्रॉक्सीमेटली चल रहा है। तो इनकी करेंसी अपने से ऑलमोस्ट हाफ है। जो सेरा लियोन में जो शाजी भाईजी मेरे से मिले थे उनके फ्रेंड हैं मोनरोविया लाइबेरिया में, तो उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया उनके आने के लिए, लेकिन वो वीडियो में आना नहीं चाहते हैं तो मैं उनको आपको वीडियो में दिखा नहीं पाऊंगा। और ये भाई जी पिछले 20 साल से लाइबेरिया में, ये बोल रहे थे जब ये लाइबेरिया आए थे ना उस टाइम पे इस कंट्री में सिविल वॉर चल रहा था, तो 2 साल ये सिविल वॉर में यहाँ पे रहे हैं। बोल रहे हैं जब यहाँ पे आए थे इस पूरी कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। इलेक्ट्रिसिटी लगभग 7 से 8 साल पहले आई है, यानी कि ये भाई जी यहाँ पर 12-13 साल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के रहे हैं। कैन इमेजिन, ऐसी लाइफ थी यहाँ पे 7-8 साल पहले तक। अभी भी सिटी के बाहर जाओगे ना इस कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लोग सोलर पावर और कोल एंड वुड पे डिपेंडेंट है, और अभी भी यहाँ पर पावर कट है, इलेक्ट्रिसिटी कटी हुई है, आई डोंट नो कब आएगी। और अब आप लोगों को मैं अपने आगे का प्लान और वीज़ा का अपडेट दे देता हूँ, जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे मैं फंस चुका हूँ। जैसे मैं माली में फंसा था सेनेगल जाने के लिए, कुछ वैसा सिचुएशन अभी भी है। अभी मैं लाइबेरिया में हूँ। जो आगे कंट्री जो मेरा प्लान है जाने का वो है आइवरी कोस्ट, उसके बाद घाना, फिर टोगो बेनिन, और लास्ट कंट्री नाइजीरिया रहेगी अगर वीज़ा मिला तो, नहीं मिला तो कुछ नहीं कर सकते हैं। जो अगली कंट्री आइवरी कोस्ट, उस कंट्री का लाइबेरिया के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफिशियली क्लोज है, बंद है, तो मैं आइवरी कोस्ट वीज़ा होने के बाद भी जा नहीं पा रहा हूँ। आइवरी कोस्ट का वीज़ा मैंने सेरा लियोन की कैपिटल फ्री टाउन से ले लिया था। आइवरी कोस्ट का जो वीज़ा है ना उसका कॉस्ट $70 था कुछ टाइम पहले तक, बट अभी रिसेंटली उसका फीस सेरा लियोन में बढ़ के हो चुका है $100। तो मेरे को $100 का आइवरी कोस्ट का वीज़ा पड़ा है, 8,000 रुपये का, 3 महीने का वीज़ा है, मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। जब से मैं वेस्ट अफ्रीका आया हूँ सेनेगल, तो वीज़ा फ्री है, इंडियंस के लिए कोई पैसे नहीं चाहिए, कोई वीज़ा नहीं चाहिए। उसके अलावा ऑलमोस्ट सब कंट्री का ऑन एन एवरेज वीज़ा मेरे को $100 का पड़ रहा है, 8,000 रुपये के आसपास। यानी अगर मैं 10 कंट्री में जाता हूँ तो भाई 80,000 तो मेरे वीज़ा में चले जाएंगे इस ट्रिप में। तो सेरा लियोन में भी और लाइबेरिया में भी एम्बेसी में बात करने के बाद जब मेरे को पता चला
कि ऑफिशियली इनका बॉर्डर आइवरी कोस्ट से बंद है, डिस्टेंस भी काफी ज्यादा है, रोड भी नहीं है, काफी स्ट्रगल है यहाँ से आइवरी कोस्ट जाना। और आइवरी कोस्ट जाने के लिए वीजा के साथ साथ अब मेरे को स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा एम्बेसी से आइवरी कोस्ट जाने के लिए। स्पेशल परमिशन का नाम है लेसेस पासे, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, शायद इंग्लिश वर्ड नहीं है, मे बी शायद फ्रेंच वर्ड हो या आपकी लैंग्वेज का वर्ड है लेसेस पासे, आई डोंट नो मैम। अब मैं आइवरी कोस्ट कैसे जा पाऊंगा, मैं फ्लाइट वगैरह देख रहा था यार, फ्लाइट बहुत कॉस्टली है, 25,000 की फ्लाइट है फ्रॉम लाइबेरिया टू आइवरी कोस्ट। देखते हैं क्या कर सकता हूँ, एम्बेसी जाता हूँ, पता करता हूँ, उससे बात करता हूँ, अपना केस अपना ट्रेवल उनको समझाता हूँ, मे बी शायद कुछ सॉल्यूशन निकले जाने का। उसके अलावा सेकेंड प्रॉब्लम बहुत बड़ी ये हो चुकी है मेरे साथ, आइवरी कोस्ट के बाद मेरे को जाना है घाना। जब मैं सेरा लियोन में घाना एम्बेसी गया वीज़ा अप्लाई करने घाना का, उन्होंने मेरे से बोला कि घाना का वीज़ा आपको सिर्फ अपने रेजिडेंट कंट्री से मिल सकता है, उसके बाहर से नहीं मिल सकता। आप यहाँ पर एज अ टूरिस्ट हो, आपको यहाँ पे घाना वीज़ा नहीं मिलेगा, आपको इंडिया जाके घाना का वीज़ा लेना पड़ेगा। तो एक सेकेंड प्रॉब्लम ये आ चुकी है, मैं घाना वीज़ा की वजह से फंस चुका हूँ, मेरे पास घाना वीज़ा नहीं है और मैं घाना का वीज़ा नहीं मिल पा रहा मेरे को, आई डोंट नो घाना जा पाऊंगा कि नहीं। ये सेरा लियोन की बात थी। अब मैं यहाँ पर लाइबेरिया में घाना एम्बेसी आज या कल जाने वाला हूँ, यहाँ पता करता हूँ मैं कि यहाँ पर मेरे को घाना वीज़ा देंगे कि नहीं। अगर वही सेम पॉलिसी होगी तो घाना वीज़ा मेरे को नहीं मिलेगा। मैं अपना केस अपना ट्रैवल उनको एक्सप्लेन करूँगा, मैं भी शायद कन्विंस करने का कोशिश करूँगा उनको, अगर वो मान गए तो। ये दोनों चीज़ मेरे को आगे ट्रैवल करने से रोक रही है, कुछ नहीं हो पाया तो ये ट्रैवल यहीं ख़त्म हो जाएगा, ये ट्रिप यहीं ख़त्म हो जाएगी, यहाँ से मैं इंडिया फ्लाई कर जाऊँगा। कोई सोल्यूशन निकला तो आगे जर्नी कंटिन्यू होगी। सो गाइस, अभी मैं घर के बाहर आ चुका हूँ और बहुत ही हल्की हल्की बारिश हो रही है, थोड़ी देर पहले बहुत तेज बारिश हो रही थी। बाहर का लोकेशन कुछ ऐसा है, ये देखो, ये कोई कॉलोनी है, यहाँ पर लोग रह रहे हैं। उसके अलावा एक ब्रिज ये है, ये वाटर बॉडी, एक ब्रिज ये है, ये रिवर है, यहाँ पे मोनरोबिया में ये रिवर है और वहाँ पर अटलांटिक ओशन है, ये रिवर जाके अटलांटिक ओशन में मिल जाती है। वेस्ट अफ्रीका में बहुत सारी सिटीज और ऑलमोस्ट सारी कैपिटल सिटीज अटलांटिक ओशन के कोस्ट पे ही लोकेटेड है। ये ऐसी कॉलोनी है, ये नीचे का फ्लोर है, ये ऊपर फ्लोर है, ऊपर फ्लोर पे हम लोग रह रहे हैं। इधर का एरिया कुछ ऐसा है, देखो काफी सारे घर यहाँ पे टेम्परेरी जो बने हुए हैं, ये रिवर में पानी में डूब चुके हैं। अब देखो हम लोग ऊपर आ रहे हैं, यहाँ पर ये देखो लोग इस तरीके का अपने कपड़े सुखा रहे हैं, काफी सारे कपड़े यहाँ पर, सब लोकल लोगों के कपड़े, कोई शॉप वगैरह यहाँ पे नहीं है, नीचे बच्चे लोग खेल रहे हैं। सो गाइस, मैं बाहर निकल रहा हूँ, अभी मैं जिस एरिया में रुका हुआ हूँ, इस एरिया का नाम है वाटर साइड, और यहाँ पर मेरे को सब लोगों ने इतना डरा दिया है कि आप घर के बाहर जैसे कैमरा लेके निकलोगे, फ़ोन लेके निकलोगे, फ़ोन कोई आएगा छीन के चला जाएगा। लोकल ने भी सेम चीज़ बोला, और जो इंडियन भाई जी के साथ मैं रुका हुआ हूँ, सेम चीज़ उन्होंने भी बोला, जो यहाँ पे 20 साल से रह रहे हैं, घर के बाहर कैमरा था सोचना भी मत। आई डोंट नो मैं घर के बाहर कैसे व्लॉगिंग करने वालों, कोई आइडिया नहीं है, फिर भी ट्राई करूँगा यार, कुछ गलत ना हो। अफ्रीका में बोला गया लेकिन इतना ज़्यादा कहीं नहीं बोला गया जितना मेरे को लाइबेरिया में बोला गया है। तो भाई बाहर निकल रहा हूँ, ये गेट है यहाँ का, वो इस स्ट्रीट का नाम है वाटर स्ट्रीट, और यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है। हाँ कौन है पेन आगे इतनी, पता नहीं भाई क्या लोग आके बोल रहे हैं। मैं बाहर निकल चुका हूँ, इस स्ट्रीट का नाम है वाटर स्ट्रीट। वाटर स्ट्रीट, हाँ, फुल ऑफ वाटर, पूरा भाई पानी भरा हुआ है रोड पे। मी ट्रैवल टूरिस्ट, हाँ, मी इंडिया, इंडिया, टूरिस्ट, मी टूरिस्ट। I don't really get it. What are you trying to say? Okay. Eh? We're going. Oh, you showing the. Yeah, my baby. Yeah, Water Street. That's great. Okay. And name? Huh? And name? My name? Turvashu. Turvashu. What is your name? Jim. Huh? You Jim. Oh, Jim. Yeah. Okay, nice to meet you. Okay. My friend. My boy. मैं थोड़ी आगे जाऊंगा यहाँ से, वहाँ से टैक्सी वगैरह कुछ लेता हूँ एम्बेसी जाने के लिए। देखो भाई कुछ ऐसी मार्केट है, काफी सारे शूज मिल रहा है सारे साइज के यहाँ पे भाई, हर जगह ब्लैक एंड व्हाइट शू ही यहाँ पे मिल रहे हैं, कुछ शाइनिंग वाले। दिस वाटर स्ट्रीट, फुल ऑफ वाटर, स्ट्रीट नहीं जैसा नाम वैसा काम। तो भाई यहाँ के लोकल लोग, लोकल वुमेन, लोकल अटायर, लोग शॉपिंग करते हुए,
सब शू की शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ पे। कितने जूते यहाँ बिकते हैं? अरे भाई पूरा पानी भरा हुआ है, कैसे क्रॉस करूं इसको? ओ तो ये भाई पुलिस की गाड़ी है यहाँ पे। His watch? Yes, his watch. Oh wow, looks good, looks beautiful. लाइबेरिया कंट्री की पॉपुलेशन अराउंड 5 मिलियन है। पूरी कंट्री में लगभग 50 लाख लोग रहते हैं, उसमें से 10 से 12 लाख लोग यानी कि अराउंड 20-25% पॉपुलेशन मोनरोवियम रहती है, लाइबेरिया की कैपिटल सिटी में। और लाइबेरिया एक क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री है, अराउंड 85% पॉपुलेशन इस कंट्री में क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है। आज के टाइम पे लाइबेरिया की 80% से भी ज्यादा पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है। लाइबेरिया की गवर्नमेंट यूनाइटेड स्टेट्स के गवर्नमेंट पे मॉडल की गई है। पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की पहली फीमेल प्रेसिडेंट लाइबेरिया में इलेक्ट की गई थी इन ईयर 2005। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान लाइबेरिया ने यूनाइटेड स्टेट्स को सपोर्ट किया जर्मनी के अगेंस्ट, और उसके बदले लाइबेरिया को काफी सारा अमेरिकन इन्वेस्टमेंट मिला है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में। देखो ये फुटपाथ पे यहाँ पे शू वगैरह साफ कर रहे हैं, शू क्लीनिंग। तो यहाँ पे देखो ये हर जगह ये चिप्स मिलता रहता है पूरे लाइबेरिया और नेबरिंग कंट्रीज में। बनाना चिप्स है ये, और ये पोटैटो चिप्स है, ये भी शायद बनाना का ही है, इसमें कहीं पोटैटो वाला भी होगा। हाउ मच? 50। तो भाई 25 रुपए का ये, 50 लिबर्टी का। तो भाई ये चिप्स लिया हूँ 50 लिबर्टी का। वो भाई 100 का नोट दिया है, 50 वापस किया इन्होंने। ये 50 का नोट है यहाँ का, ये देखो 50 लिबर्टी। यहाँ पर हर टाइप के बिस्किट्स मिल रहे हैं, टी कॉफ़ी मेयोनीज एवरीथिंग। और ये लाइबेरिया का फ्लैग, ये क्या भाई काफ़ी अजीब सा लग रहा है, व्हाट इज़ दिस? हाँ भाई पता नहीं क्या है, फायर लेता, आई डोंट नो। फॉर ईटिंग? It's for fire. It's a food, Yeah, fire. Okay, cook on the food, then eat. Yes. Okay. Thank you. Okay. तो भाई इवन आज भी लाइबेरिया में, इवन शायद अफ्रीका में और बाकी जगह पे भी CCTV आज भी कॉमन है, लोग इसके थ्रू मूवीज यहाँ पे देखते हैं। इनकी टेक्नोलॉजी अभी भी बहुत ज़्यादा अपग्रेड नहीं हुई है। पीपल हियर स्टिल वॉच फ्रॉम दिस CCTV। इंडियन मूवी राजकुमार, मुंबई सागा, इमरान हाशमी एंड जॉन अब्राहम, ऑल इंडियन मूवीज। KGF also. ओके, बजरंगी, बाहुबली। काफ़ी लोग पीछे चल रहे हैं, 7-8 साल पहले तो उनके यहाँ पे भाई इलेक्ट्रिसिटी आई है, इसलिए तो इसी एरिया में क्वीन की शॉप भी है और वो कहीं आस पास ही। अभी मैंने उनको कॉल किया, 2 मिनट में आ रही हैं, तो मेरे को थोड़ा गाइड कर देंगी कि यहाँ से एम्बेसी जाना कैसे है। हेलो क्वीन, हाउ आर यू? आई हैव टॉक्ड टू यू ऑलरेडी, ही विल टेक यू टू गाना एम्बेसी एयरवेज एंड ड्रिंक टू दैट। ओके, सो यू गिव मी कार्ड व्हेन यू आर वन साइड 250। ओके ओके, मैप डोंट आल्सो फॉरगेट, आई डोंट नो द एड्रेस। तो भाई इस मोटो से गाना मैसेज आ रहे हैं, सबसे पहले गाना मैसेज यहाँ से काफ़ी दूर है, आई थिंक शायद 8-10 किलोमीटर होगा, 8-10 किलोमीटर का। ये मेरे से ले रहे हैं 250 लिबर्टी यानी लगभग 125 रुपये। ये पूरी छतरी लगी हुई है बाइक पे, भाई बारिश भी होगी तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ये भी 50 बॉक्सर। ओह हो, स्लो स्लो, नॉट फास्ट, स्लो। ओके, कभी भी कोई भी कहीं भी आ जा रहा है। दूसरी बात, रोड पूरी गीली, इतनी फास्ट चला रहे, डर लग रहा है गिर ना जाए। और यहाँ पे सारी टैक्सी येलो कलर की है। ऑल तो ये कंट्री वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है और वेस्ट अफ्रीका की सबसे पुअर कंट्री में आती है ये, फिर भी इसका सेंटर है जो सिटी का काफ़ी डेवलप्ड है, काफ़ी मॉडर्न है, रोड्स वगैरह काफ़ी ब्रॉड है,
काफ़ी मॉडर्न कार भी यहाँ पे दिख रही हैं। तो भाई अपनी ये गाना एम्बेसी आके देखो, ऊपर गाना का फ्लैग लगा हुआ है। तो भाई देखो गाना एम्बेसी, वो ऊपर गाना का फ्लैग लगा हुआ है। चलता हूँ एम्बेसी के अंदर, पता करता हूँ भाई कुछ ऐसी टाइमिंग्स है भाई, देख लो यहाँ पे। सो गाइस शाम हो चुकी है, वापस मैं आ चुका हूँ वाटर साइड मार्केट की तरफ जहाँ से मैंने बाइक ली थी। और अभी मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह जाने वाला हूँ, आपको जाके बताता हूँ। बहुत ही फेमस लोकेशन है यार पूरे लाइबेरिया में, ना सिर्फ मोनरोविया में। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? आई एम गुड। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज गुची बॉय बाना पिकिन, एज एवरीबॉडी नोज इन गुची ना बाना पिकिन। या गुची बॉय बाना पिकिन, बट माय रियल नेम इज साला। साला? या साला। या साला। या ओके, योर फुल नेम इज गुचीबा पाकानिनिन? गुचीबा बाना पिकिन, दैट्स माय सेलिब्रिटी नेम, दैट्स माय इंटरनेट नेम, दैट्स माय सोशल मीडिया नेम। ओके, बट एवरीवन कॉल यू साला। तो भाई ये क्वीन के भाई हैं और ये मेरे को उस लोकेशन लेके जाने वाले हैं, देखते हैं कैसे जाना होता है। देयर इज अ मिरर ऑफ मैकलिन एंड बेसिस स्ट्रीट वेयर यू हैव द सुपरमार्केट्स अराउंड। ओके, या यहां पर भाई हर तरफ सुपरमार्केट ही सुपरमार्केट है। सुपरमार्केट एवरीवेयर है। यहाँ पे फ्रूट और वेजिटेबल की मार्केट है। एम्बेसी के बारे में आप लोगों को काफ़ी कुछ बताना है, काफ़ी अपडेट देना है, लेकिन पहले जहाँ जा रहे हैं वहाँ हो लेते हैं तो रात हो जाएगी। हर तरफ भाई टीवीएस की ऑटो यहाँ छाई हुई है। तो भाई इस बाइक से जा रहे हैं, जो जगह है पूरी मोनरोविया की हाईएस्ट पॉइंट है, वो पूरे मोनरोविया का सबसे टॉप लोकेशन। पूरी ये अप हिल क्लाइंबिंग है। अभी हम लोग हिल के ऊपर जा रहे हैं। ओ भाई साहब, रोड कंडीशन काफ़ी ख़राब है, प्लस ऊपर जाना प्लस ट्रिपलिंग। नीचे पूरा सिटी दिख रहा है, इधर पूरा अटलांटिक ओशन। आज हम लोग लाइबेरिया की सबसे हिस्टोरिक जगह पे आए हुए हैं। This is the highest point of Monrovia. Yeah, highest point of Monrovia. 1000 meter above sea level. Okay. Yeah. Dukor Hotel. Dukor Hotel. Dukor Hotel. Yeah, this is Dukor Hotel. Okay. This side of it, you can see here. Uh-huh. This is arrivals of the free slave in 1822. It was this arrival of these people that came in 1822. In 1822. People from America, they okay. Queen Elizabeth ship that came yeah. in 1822. Oh, first time when they arrived. Yeah, when they arrived. Freed slave labor. Free slave. Okay, you. Okay. So, see the ship, yeah, Elizabeth. Exactly 200 years before from 200, now. Yeah. 200 years. 200 years. We had a pre celebration of the Basatanya. Okay, okay. Yeah, the Basatanya. Birthday. Basatanya. Oh. Of return. 200 years. Yeah, 2022 yeah. mein. Land of return. In the land of return. तो मैंने आप लोग बताया था ना, इस साल 200 साल पूरे हुए इस कंट्री को फॉर्म हुए, जब एक्स स्लेव्स यहाँ पर आए थे पहली बार US से, नॉर्थ अमेरिका से। These all are free slaves, huh? Yeah. Free slaves. Free slaves. Free slaves. See, there's woman Matilda Nimpo. She came along with them. She was one of the free slaves. Okay, okay. And then they have to go to war for the land. The native and the settlers. And then they went to war, but the settlers won. The settlers were using this kind of, what the native was, they're using bow and arrow. Bow and arrow flexes. They were using the canoe gun, yeah. They were using the canoe gun. जो मोनरोविया सिटी है ना, मोनरोविया सिटी का नाम US के 5th प्रेसिडेंट के नेम पे पड़ा है, जेम्स मोनरो, उनका नाम था, उनके नाम पे ही मोनरोविया सिटी का नाम पड़ा है। ओके, बिफोर इट वाज सिटी ऑफ क्राइस्ट। सिटी ऑफ क्राइस्ट। ओके, आफ्टर दे अराइव्ड जेम्स मोनरो, देन केम इन द चेंज द इंडिविजुअल बिकॉज़ दे ब्रॉट देयर ओन पॉलिसी। ओके, दे चेंज द नेम ऑफ जेम्स मोनरो टू मोनरोविया। जेम्स मोनरो टू मोनरोविया। मोनरोविया। तो जो जेम्स मोनरो थे US के 5th प्रेसिडेंट, वो फेवर में थे कि जो वहाँ की ब्लैक फ्री स्लेव है, यहाँ पे आके अपनी फ्री लाइफ जिए, जैसा मानो वैसा किए, क्योंकि जब उन लोग US में थे यहाँ के, तो उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था। Right after the war between the slaves and the native, they met here. You can see there's a native people. The yeah. Oh, the these native. Are native people. Native. You can see that. These native people are जहाँ पहले रहते थे। ये people who arrive, who arrive. Okay. 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 There's a reconciliation dialogue, peaceful dialogue. इनकी native language थी, उनकी language English थी। दोनों लैंग्वेज मिलके, व्हेन बोथ द लैंग्वेज मिक्स, इट बिकेम क्रियोल, इंग्लिश क्रियोल। कोलोकुआ, यू सेड कोलोकुआ। यू कैन सी आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट जोसेफ राबर्स, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ लाइबेरिया। भाई इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट है ये जोसेफ जे रॉबर्ट्स। एंड व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज हेनरी, हेनरी मेंडुआके। हेनरी, ओके, नाइस टू मीट यू। नाउ वी गो टू द होटल। या वी गो टू द होटल। तो ये दुकोर होटल है लाइबेरिया का सबसे लग्जरी और सबसे फेमस होटल, जो कि अब अबैंडन्ड हो चुका है। ये होटल आज से लगभग 60 साल पहले इन ईयर 1960 में बनाया गया था। इस होटल में
100 से भी ज्यादा रूम्स है और ये 8 फ्लोर का होटल है। डुकोर होटल डुकोर हिल पे लोकेटेड है जो कि मोनरोविया का हाईएस्ट पॉइंट है। इस होटल को इजरायली इंडस्ट्रियलिस्ट ने बनाया था और ये होटल लाइबेरिया का पहला 5-स्टार होटल था। उसके साथ ही पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का ये कुछ में से एक 5-स्टार होटल रहा काफी सालों तक। काफी सारे अफ्रीकन लीडर्स की इम्पोर्टेंट मीटिंग्स भी हुई इस होटल में। फिर ऑपरेशन के लगभग 20 साल के बाद ईयर 1989 में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और लाइबेरियन सिविल वॉर की वजह से ये होटल बंद हो गया। तो 30 से भी ज्यादा साल से ये होटल आज तक ऐसे ही अबैंडन्ड पड़ा हुआ है। फिर लीबिया की गद्दाफी गवर्नमेंट ने इस होटल को रेनोवेट करके ओपन करना चाहा, फिर लीबियन सिविल वॉर की वजह से वो भी नहीं हो सका। मैं डुकोर होटल को विजिट करने गया लेकिन उसके लिए स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है। वो स्पेशल परमिशन मेरे को सेम डे मिल नहीं पाया और मेरे को अगले दिन बुलाया गया विजिट करने के लिए, लेकिन फिर अगले दिन मैं जा नहीं पाया। इसलिए मैं आपको सिर्फ बाहर से दिखा रहा हूँ, अंदर से आपको नहीं दिखा पा रहा। सो गाइस, हम लोग वापस टाउन पे आ चुके हैं और ये अब जाने वाले हैं, और अब मैं यहाँ पर सुपरमार्केट जा रहा हूँ। आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट में सुपरमार्केट आपको दिखा देता हूँ। जैसे तो भाई ये मॉस्क है, सामने ग्रीन कलर का कुछ दिख रहा है। इसे ओल्डेस्ट मॉस्क, इसे ओल्डेस्ट मॉस्क इन लाइबेरिया, ओल्डेस्ट मॉस्क इन लाइबेरिया। सो गाइस, अभी मैं यहाँ पे एटीएम गया था पैसे निकालने, तो दो ऑप्शन आ रहा था कि लोकल करेंसी चाहिए कि यूएस डॉलर चाहिए। तो यहाँ पे दोनों पैसे निकाल आते हैं एटीएम से, क्योंकि दोनों करेंसी यहाँ पे चलती है। लेकिन प्रॉब्लम ये था, पर ट्रांजेक्शन भाई $8 एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा था, $8 लगभग 650-700 रुपए। तो मैंने फिर नहीं निकाले हूँ, देखता हूँ और कोई ऑप्शन ट्राई करता हूँ या तो और कोई एटीएम ट्राई करता हूँ। सॉरी, यू वांट टू अरेस्ट मी? व्हाई? जैसे भाई ये बोल रही हैं मैं तुमको अरेस्ट कर लूंगी क्योंकि आप कैमरा यूज कर रहे हो मजाक में। हेलो, हेलो, हाउ आर यू? तो भाई एक सुपरमार्केट ये है, एक सुपरमार्केट ये है, इसके अंदर चलते हैं। तो अभी मैं सुपरमार्केट के अंदर हूँ और बाकी सारे वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के जैसे यहाँ पर भी इंडिया के काफी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे ये हल्दीराम की काफी सारी नमकीन है, काफी वाइड वैरायटी ऑफ नमकीन है यहाँ पे, ऑलमोस्ट सारी नमकीन यहाँ पे मिल जा रही है। प्राइस $2 से $3 के बीच में है पर पैक। उसके अलावा डाबर, हिमालया, पार्ले, काफी सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। इवन पार्ले जी भी है $0.6 का, ये देखो यानी कि 50 रुपए का बिस्किट है पार्ले जी। इंडिया में आई थिंक शायद 20 से 30 रुपए का आता होगा, यहाँ डबल प्राइस है। तो यहाँ पे ना सारे सामान के प्राइस डॉलर में है, अब चाहे जो लोग $0.7, $2.3, लोकल करेंसी में तो लिखा ही नहीं है, चाहे जो सुपर मार्केट जाओ। और आपको मैं दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या लिया हो। मैंने ये बॉम्बे मिक्स नमकीन लिए $2.6 का, ये मसाला मूंग दाल लिया है ये भी $2 के आसपास है, ये योगर्ट लिए भाई ये $2 की, $160 का ये दही है, ये मिक्स फ्रूट जूस लिया हूँ $1.6 का है, ये सोया मिल्क ड्रिंक है $1.5 का, ये देखो ये 3-in-1 मिक्स कॉफी है, आई डोंट नो कितने का रेट लिखा नहीं है, ये वेनिला फ्लेवर मिल्क ड्रिंक है $2.1 का। देखो भाई दूध यहाँ पर है $2.15 का 1 लीटर, लगभग 180 रुपए लीटर यहाँ पे दूध पड़ रहा है, चाहे फुल क्रीम लो चाहे स्किम मिल लो। तो फिर आप लोगों को आइडिया लग चुका होगा यहाँ पे इंडिया से कम्पेयर करें ना तो प्राइस 2 से 3 टाइम्स ज़्यादा है यहाँ पे। सबसे महंगा मेरे को पड़ा था गिनी में, गिनी में सब कुछ इंडिया से 4 टाइम्स कॉस्टली था। मेरे को इंडियन एम्बेसडर मिले थे, बोल रहे थे भाई कुछ कंट्रीज़ में तो अफ्रीका के ऑलमोस्ट यूरोप के इक्विवेलेंट है प्राइसेस यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे लोगों के पास उतने पैसे नहीं हैं बट चीज़ें बहुत महंगी हैं। लोग यहाँ पर ना नॉर्मल खाना ही ज़्यादातर खाते हैं, राइस हो गया, अपना फिश हो गया, सुपरमार्केट का सामान इनके लिए काफ़ी लग्जरी होता है, बहुत ही कम लोग यहाँ पर अफोर्ड कर पाते हैं। आई थिंक जो यहाँ पर एक्सपैट्स हैं, लेबनीज हो गए, इंडियंस हो गए, वही सब लोग ज़्यादा खरीदते हैं, और यहाँ के जो रिचेस हो गए उन लोग यहाँ पे ज़्यादा आते हैं, नॉर्मल लोग तो यहाँ पे आते भी नहीं हैं। कैन आई पे बाय माय कार्ड? बाय माय कार्ड, कार्ड पेमेंट कर सकते हैं? यू कैन पे ओनली फॉर द बिल। या कार्ड से हो जाएगा पेमेंट ना? ओके ओके, आई विल पे बाय कार्ड। तो भाई टोटल सामान का लगभग $15 बिल बना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कटा, सीधे कार्ड पेमेंट हो गई है यहाँ पे। ये देखो भाई $15.62 का बिल है, और लोकल करेंसी में भी है 2400 लिबर्टी। भाई मेरे को पता नहीं था कि यहाँ पर कार्ड से भी पेमेंट हो जाती है, फालतू भी तक पैसे दे रहा था यार हार्ड करेंसी। अब बाहर मूसलाधार बारिश होते हुए यार वेट करना पड़ेगा बारिश रुकने का। तो मैं वापस वॉक करके घर जा रहा था, अभी एक फायर ब्रिगेड का गाड़ी दिखा है, ये गाड़ी इंडिया ने गिफ्ट किया है लाइबेरिया को, लाइबेरिया की गवर्नमेंट और लाइबेरिया के पीपल को। जहाँ पर मैं रुका हूँ इंडियन भाई जी के साथ, वो मेरे को बता रहे थे इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी बसेस, एम्बुलेंस, काफ़ी सारा चीज़ लाइबेरिया को दिया हुआ है,
डोनेट किया है, काफी सारा सामान, काफी सारी एमिनिटीज। तो भाई अभी मेरे को एक बहुत ही अजीब चीज दिखाया, आई डोंट नो क्या है ये, मैं शायद पहली बार देख रहा हूँ। काफी बड़ा स्नेल है ये देखो भाई क्या है ये, आई थिंक दे आर अलाइव, जिंदा है भाई स्नेल, बिग स्नेल, कितने बड़े स्नेल है भाई, मेरे हाथ से भी बड़े, और ये जिंदा है। दिस इज फॉर ईटिंग as a food, huh? Yeah, you can eat. It's a street food, huh? No, not a street food. You can in the home. You can buy, carry home. Home. यहाँ के लोग भाई ये सब खाते हैं, देखो भाई जिंदा है, हिल रहा है, चल रहा है। So guys, ये वीडियो कल पूरा रिकॉर्ड हो नहीं पाया, तो इस वीडियो को खत्म करने से पहले आप लोगों को वीजा का अपडेट देना है, ताकि फिर अगले वीडियो में आगे जर्नी कंटिन्यू हो सके। तो आज मैं घाना एम्बेसी गया और आइवरी कोस्ट के एम्बेसी गया। आइवरी कोस्ट और लाइबेरिया का बॉर्डर ऑफिशियली बंद है, लेकिन वहाँ पर मैंने ऑफिशियली परमिशन ले लिया है बॉर्डर क्रॉस करने का, जिसका उन्होंने मेरे से एक्स्ट्रा $20 लिए, और उन्होंने मेरे को एक लेटर दे दिया है फ्रेंच में कि इसके थ्रू आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो, लेकिन फिर भी इतना इजी नहीं है बॉर्डर क्रॉस करना, इसके बारे में आप लोगों को अगली वीडियो में पता चलेगा, काफ़ी स्ट्रगल है, काफ़ी प्रॉब्लम है। उसके अलावा जब मैं घाना एम्बेसी गया तो सेम चीज़ मेरे से बोला गया, जो मेरे को सीरा लियोन ने बोला गया था कि आप घाना वीज़ा सिर्फ अपने रेजिडेंट कंट्री से अप्लाई कर सकते हो, अगर आप यहाँ काम कर रहे हो तो अप्लाई कर सकते हो, एज अ टूरिस्ट अप्लाई नहीं कर सकते, आपको इंडिया जाना पड़ेगा। तो मैंने अपना केस उनको समझाया कि मैं मोरक्को से ट्रैवल कर रहा हूँ, और मोस्ट प्रोबेबली नाइजीरिया तक मैं ट्रैवल करने वाला हूँ इस ट्रिप में, और मैं पूरा लैंड बॉर्डर से ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरा ऐसा मिशन है, ऐसा मोटिव है। काफ़ी मैंने उनको समझाया, उनको कन्विंस किया, फिर एट द एंड वो मान गए, मेरा जर्नी समझ गए और मेरे से कन्विंस हो गए, उन्होंने चलो ठीक है आपको मैं घाना वीज़ा देते हैं। तो मैंने कल घाना वीज़ा अप्लाई कर दिया हूँ। $70 इसकी फ़ीस है, और मेरे से उन्होंने लिया 4 फोटोग्राफ ली, पासपोर्ट की कॉपी ली और होटल बुकिंग ली। तो उन्होंने बोला कि आप 2 दिन के बाद आना, मोस्ट प्रोबेबली आपको घाना वीज़ा मिल जाएगा। आई होप कोई प्रॉब्लम ना आए और मेरे को 2 दिन के बाद घाना वीज़ा मिल जाए, ताकि मेरी जर्नी आगे कंटिन्यू हो सके। अब 2 दिन के बाद ही पता चलेगा कि घाना वीज़ा मिलेगा कि नहीं, उन्होंने तो खैर बोल दिया है। खैर इतना अपडेट था, ये वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं, आप लोगों को मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।